अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद भट्टी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खालिद भट्टी 786। दोस्तों उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूं। जितने भी मेरी वाईटी फैमिली है माशाल्लाह और मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको खुशियां अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आज बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि मुझे उर्दू बोलनी बिल्कुल ही नहीं आती, पर किसी की फरमाइश है कि आप उर्दू में व्लॉग बनाया करें, तो आज मैं कोशिश करता हूँ व्लॉग उर्दू में बनाऊं। और आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर करते हैं मजेदार वीडियो शुरू। मैं आज उर्दू की लत भी तोड़ूंगा और उर्दू की टांग भी तोड़ूंगा। कहावत बोलते हैं लोग के इंग्लिश की टांग तोड़ दिया, मैं आज तोड़ने वाला हूँ उर्दू की टांग। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं कमेंट्स करते हैं कि आपने लाइव आना क्यों बंद कर दिया है, लाइव ज्वाइन करना बिल्कुल ही मैंने छोड़ दिया है, उसके बारे में भी बताने वाला हूँ लाइव आना क्यों बंद कर दिया है। और आज मेरे गांव में इतना धुंध है कि हर तरफ स्मोग ही स्मोग है, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, पता लगता है कि रात का समां बन गया है। और इस जैसे मौसम में खासकर बच्चों को छोड़ने के लिए जब गांव से लोग तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर बाइक पर सफर करते हैं, को खुदा ना खास्ता रास्ते में कोई भी मसला बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल ही कुछ नजर नहीं आता। तो इसलिए सबसे गुजारिश है कि प्लीज 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 अपने बच्चों का एहसास करें, अपनी फैमिली का एहसास करें, अपनी जिंदगी का एहसास करें, बाइक बिल्कुल एहतियात से चलाएं। दुआ है कि अल्लाह पाक हर किसी को अपनी हिफ्ज़बान में रखे और जितने भी लोग सफर में हैं खासकर इस जैसे मौसम में, अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़मान में रखे, आमीन सुमान। अच्छा सीन ये है कि मेरे भाने के ऊपर आपने कई मरतबा काफी चीजें देखी होंगी, जानवर हैं वो भी देखे होंगे, मुर्गियां हैं वो भी देखी होंगी माशाल्लाह। मगर आज मैं आपको एक नई चीज दिखाने वाला हूँ जो आप देख कर माशाल्लाह बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि वो मुझे पसंद है और आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। वो क्या चीज़ है अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ माशाल्लाह। ये देखें जी, मैंने खरगोश लिए हैं माशाल्लाह, कितने खूबसूरत हैं देखें। ये 3 खरगोश मैंने लिए हैं, मुझे बड़ा शौक था खरगोश पालने का, क्योंकि मुझे बचपन में इतना शौक था ना खरगोश पालने का, और मेरे पास बचपन में बहुत ज्यादा खरगोश होते थे। तो जब से बड़े हुए हैं अपने काम काज में लग गए हैं, अपने काम सीखने में लग गए थे, तो इसलिए ये सारे शौक बिल्कुल ही खत्म हो गए थे। फिर अब जो है ना ये ऐसा अपने जो शौक है वो इंशाल्लाह पूरे करेंगे, वो जो भी मेरे बचपन में शौक थे पूरे करेंगे इंशाल्लाह। और आपने ये बताना है कि आपको ये खरगोश कैसे लगे, आपने कमेंट्स में लाजमन बताना है कि कितना खूबसूरत है, आपने लाजमन ही कमेंट्स में लाजमन ही बताना है मुझे। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने लाइव आना क्यों बंद कर दिया। आप मेरे व्यूज चेक कर सके कितने मेरे व्यूज बिल्कुल ही कम हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि आजकल जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस पर व्यूज बिल्कुल ही कम आ रहे हैं, क्योंकि यही है मेरा सबसे बड़ा नुकसान लाइव आने का। 2-3 घंटे लाइव ज्वाइन करने से तकरीबन आपको 10 या 12 घंटे वॉच टाइम मिल जाता है। बहरहाल नुकसान ये है कि आपके जितने भी पुराने व्यूवर्स होते हैं वो आपकी वीडियो पे नहीं आते, जब आप वीडियो अपलोड करते हैं आपकी वीडियो पर व्यूज आना बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। आप जब लाइव ज्वाइन करते हैं तो आपको सपोर्ट करने के लिए लाइव पे आ जाते हैं, तो इसलिए आपकी जो वीडियो होती है वहीं पे रुक जाती है। तो कोशिश क्या करें, अपने व्लॉग पर तवज्जो दिया करें और वीडियो पे तवज्जो दिया करें। अगर आपकी एक वीडियो भी वायरल हो गई तो टोटल वॉच टाइम बिल्कुल ही पूरा हो जाएगा, इंशाल्लाह आपका चैनल मोनिटाइज के काबिल हो जाएगा। और मेरे ख्याल में जितने भी छोटे यूट्यूबर हैं जिनका चैनल अभी मोनिटाइज नहीं हुआ तो लाइव ज्वाइन ना किया करें। अलबत्ता ये है कि जिसके पास टाइम होता है वो तो कर लेता है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि देखिए आपका जो व्लॉग है वो लॉन्ग टाइम के लिए चलने वाला है। अगर आपकी एक वीडियो भी वायरल हो जाए तो आपके बारे नहीं आ रहे माशाल्लाह, आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा। ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जो मेरे उस्ताद हैं माशाल्लाह इस मामले इस फील्ड में, तो मैंने उनसे मशवरा किया है कि उन्होंने मुझे ये भी मशवरा दिया है कि आप लाइव ज्वाइन मत किया करें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपका जो व्लॉग बनाने का जज्बा होता है वो बिल्कुल ही मधम पड़ जाता है, कि जब बंदा लाइव ज्वाइन करता है तो तकरीबन रात के 12-1 बज जाते हैं, सुबह जब उठता है तो और काम करे, मशीन थोड़ी है यार, इंसान है, मैं इंसान हूँ, हर बंदा इंसान है, मुझे और भी काम होते हैं, इसलिए मैंने लाइव आना बिल्कुल ही बंद करता है। क्योंकि जब मैंने लाइव ज्वाइन की थी तो उसमें तकरीबन 2-3 दिन बल्कि 3-4 दिन मुझे बिल्कुल ही जबरदस्त लगा कि यार मुझे यार 10 घंटे मिल रहे हैं, यार 12 घंटे मिल गए, यार पता नहीं कितना घंटे, मैं बड़ा खुश हुआ। बहरहाल जो मेरा नुकसान था ना, सुबह मेरा देर से उठना मामूल बन गया था। और आपको ये भी मालूम है कि हर किसी की जब वीडियो आती है तो तकरीबन शाम को 6 बजे या 7 बजे टाइम होता है या 8 बजे टाइम होता है, हम उस टाइम अपनी लाइव ज्वाइन किए बैठे होते हैं,
तो किसी की वीडियो पे हम जाते नहीं है, इसलिए वो भी हमें सपोर्ट नहीं करते। तो इसलिए मैंने लाइव आना बिल्कुल बंद कर। अब इंशाल्लाह हर किसी की वीडियो पे जाएंगे, हर किसी को सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह फुल वॉच करेंगे। और आप सबसे भी इल्तमास है, आप सबसे मेरी गुजारिश है हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें। अगर हमारी शक्ल पसंद नहीं है प्ले करके एक साइड पे रख दिया करें मोबाइल, ताकि वीडियो फुल वॉच हो जाए और हमें कोई सपोर्ट मिल सके, आपकी कमाल मेहरबानी होगी। और मजे की बात यह है कि मैं आज आपको ये भी बता दूं कि YouTube पे काम करते हुए तकरीबन एक साल का अरसा हो गया है, जितना मुझे आज टेंशन हुई है ना उर्दू में व्लॉग बनाते, यकीन करें मुझे तकरीबन 2 घंटे लग गए हैं यही तकरीबन 5 से 6 मिनट की वीडियो बनाते हुए। यकीन करें कि पता नहीं कितना मुश्किल तरीन मरहला था मेरे लिए आज उर्दू में व्लॉग बनाने का मुझे। और आपने मुझे कमेंट्स में लाजमन बताना कि मैंने जो आज उर्दू की टांग तोड़ी है वो कैसी लगी आपको, मेरा अंदाज कैसा लगा उर्दू में व्लॉगिंग का, और मुझे उर्दू बोलनी आती है या नहीं आती, आपने कमेंट्स में लाजमन ही बताना है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पट कर एक साइड पे कर दें। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पट कर एक साइड पे कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मुयस्सर हो सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।